तो गुड मॉर्निंग, सेकंड लेक्चर में स्वागत है ईएल 208 में। तो आज हम, इससे पहले तो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, सिलेबस को डिस्कस किया था, करिकुलम को डिस्कस किया था, और आज हम देखेंगे ऑडियो एंड वीडियो सिस्टम का बेसिक इंट्रोडक्शन, यानी उसके ब्लॉक डायग्राम, हर एक एक स्टेप पे क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। ये आपका कुछ वीडियो सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम है जो मैंने बनाया। आप देख सकते हैं, वीडियो से आप समझते हैं, यानी ऐसा कुछ पर्टिकुलर पिक्चर सिग्नल जो आपके आंखों को समझ में आता है, यानी हम आंखों से जो पर्टिकुलर किसी भी सीन, किसी भी पिक्चर को हम देखते हैं, वो हमारा दरअसल होता तो इमेज है, लेकिन अगर इमेज की कुछ पर्टिकुलर, मतलब एक रेशियो होता है, एक मैथमेटिकली कैलकुलेशन होती है, कि अगर उससे तेज अगर हमारी वो आंखों के सामने से निकल जाता है वो पिक्चर, तो वो वीडियो सिग्नल बन जाता है। तो अभी के लिए हम बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग में आप देख रहे हो जैसे कि ये पिक्चर है, मतलब वीडियो कैमरा की सहायता से ये सिग्नल रिकॉर्ड हो रहा है। अब ये वीडियो कैमरा क्या होता है, ये एक ट्रांसड्यूसर होता है। ट्रांसड्यूसर का दरअसल काम क्या होता है, वो कोई भी सिग्नल होता है उसकी एनर्जी को एक फॉर्म में दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है, उसी की आवृत्ति में, यानी उसी सेम फ्रीक्वेंसी में। कहने का मतलब, यहाँ पर जो भी आपका चलचित्र है, यानी जो भी पिक्चर है, जो भी वीडियो है, उसको वीडियो कैमरा ने रिकॉर्ड किया, फिर वीडियो कैमरा रिकॉर्ड करके फाइनली इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में देगा, यानी ये प्री एम्पलीफायर और वीडियो कैमरा के बीच में इनको कंपेटिबिलिटी बनाने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल की जरूरत है। तो ये जो वीडियो कैमरा है, यहाँ पर जो भी हमारा वीडियो सिग्नल है उसको, मतलब वीडियो सिग्नल मतलब जो भी वीडियो कैप्चर हो रहा है उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा। अब क्या होगा, एम्पलीफायर, एम्पलीफायर जैसे कि आप लोगों को जनरली आपने अपने डेली लाइफ में देखा होगा, एम्पलीफायर होता है सिग्नल को बूस्ट करने के लिए, यानी सिग्नल के लेवल को बढ़ाने के लिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे मान के चलिए हमने कोई वीडियो कैप्चर किया, यानी वीडियो रिकॉर्ड किया, तो मे भी हो सकता है वो एनवायरनमेंट प्रॉपर नहीं हो, नॉइजी हो, यानी नॉइज हो, मतलब बहुत सी सारी चीजें हो, तो हो सकता है कि शायद मतलब नॉइस की ज्यादा मतलब प्रेजेंस होने की वजह से वो क्वालिटी, सिग्नल की क्वालिटी अच्छी नहीं हो। तो इसलिए हम स्टार्टिंग में एक प्री एम्पलीफिकेशन स्टेज रखते हैं, जो कि प्री एम्पलीफायर की सहायता से मतलब अचीव की जाती है। फिर उसके बाद में हमारा वीडियो प्रोसेसर है। अब वीडियो प्रोसेसर क्या करता है, प्रोसेसर से जैसे आप समझते हो, प्रोसेसर कुछ ना कुछ पर्टिकुलर उसके अंदर इंस्ट्रक्शन होंगे, इंस्ट्रक्शन यानी कुछ ना कुछ उसके अंदर ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होंगे, प्रोग्रामिंग होगी, जिसके सहायता से वीडियो को एडिट किया जा सकता है, वीडियो को और प्रॉपर वे में बनाया जा सकता है। अगर अब जैसे प्री एम्पलीफायर है तो कुछ नॉइस है, अगर हम हमारा मतलब सिग्नल को बूस्ट कर रहे हैं तो नॉइस भी बूस्ट होगी साथ साथ में, तो यहाँ पर हम वीडियो प्रोसेसर की सहायता से उस नॉइस को कम कर सकते हैं, हम उसकी एडिटिंग कर सकते हैं, हम उसकी क्रॉपिंग कर सकते हैं, जैसे कि आप अपनी इमेज क्रॉप करते हो, तो वो सारा जो पोर्शन है वो यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर बेस्ड काम होता है वो वीडियो प्रोसेसर पे होता है। फिर इसके बाद में पावर एम्पलीफायर। अब एक बार एम्पलीफिकेशन स्टेज हो गई, फाइनली जब हमने सारी चीजें मतलब बेस्ट से बेस्ट वीडियो हमने प्रोसेसिंग की सहायता से बना दिया, फिर हम पावर एम्पलीफिकेशन स्टेज पे चलते हैं। यहाँ पर वीडियो का जो मतलब जो वीडियो सिग्नल है, यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसका इक्विवेलेंट, उसको हम फिर एम्पलीफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से ये जो हमारे चार ब्लॉक्स हुए, ये हमारे ट्रांसमीटर साइड के हुए। अब क्या होगा, यहाँ पर फाइनली जब हमारा वीडियो तैयार हो गया, फिर वो एक पर्टिकुलर चैनल, यानी हो सकता है वो वायर हो या वायरलेस हो, उसके थ्रू जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं ये एरो, ये एरो। अब ये जो एरो है, ये फिर ये आपका एक तरीके से रिसीवर साइड है, यानी इसको आप एक तरीके से अपना टीवी, एलईडी, एलसीडी, मॉनिटर कुछ भी आप मान के चल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, जब बीच में जब सिग्नल ट्रांसमिट होगा तो लॉसेस 100%, 99% भी नहीं, 100% चांसेस हैं कि लॉसेस होंगे। अब उन लॉसेस होने के बाद में हम यहाँ पर अगेन रिसीवर साइड में जो पहली स्टेज रखते हैं, जो हमने ट्रांसमिटर साइड में रखी थी, वो होती है हमारी प्री एम्पलीफिकेशन, यानी उसको वो फिर से जो सिग्नल है वो प्री एम्पलीफायर से गुजरेगा, फिर अगेन सेम वीडियो प्रोसेसर, यानी वीडियो प्रोसेसिंग उसकी होगी, हो सकता है नॉइज ज्यादा हो तो वो उसको कम करेगा, मतलब उसकी बेस्ट से बेस्ट कोशिश रहेगी प्रोसेसर की, मतलब जिसके अंदर प्रोग्राम्स ऑलरेडी फीड होंगे कि हम बेस्ट से बेस्ट वीडियो आउटपुट जनरेट कर सकें। फिर अगेन पावर एम्पलीफायर होगा, क्योंकि पावर एम्पलीफायर और ये एम्पलीफायर हर स्टेज पे आपको यूं मिल रहे हैं, क्योंकि जब भी सिग्नल किसी ब्लॉक से गुजरता है तो वहां पर लॉसेस तो होते ही होते हैं। हो सकता है कि हम किसी पर्टिकुलर चीज, जैसे हम आवाज को बढ़ा रहे हैं तो हो सकता है हमारी वीडियो क्वालिटी डिग्रेड हो जाए, या फिर हम ऐसा एडजस्ट कर रहे हैं कि वीडियो क्वालिटी और दोनों को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो हो सकता है कि साथ साथ में
मे बी अगर वीडियो पे नॉइज दिख रही है, यानी वीडियो अगर थोड़ा सा ब्लर्ड है, हम उसको कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर भी मतलब लॉसेस होने के चांसेस हैं। तो इस कारण हम मतलब कहीं जहां पर हमें रिक्वायरमेंट होती है, हम पावर एम्पलीफिकेशन या फिर प्री एम्पलीफिकेशन स्टेज को लगाते हैं। फिर फाइनली ये जो डिस्प्ले है, यानी यहाँ पर एलईडी हो सकता है, एलसीडी हो सकता है, या फिर कोई भी सिंपल मॉनिटर हो सकता है, आपका मोबाइल डिवाइस हो सकता है, ये आपके जो भी आपने यहाँ से वीडियो रिकॉर्ड किया था वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। ये भी एक तरीके से ट्रांसड्यूसर है, जो कि आपको यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिल रहा है उसको आपके डिस्प्ले सिग्नल में, यानी आपको जो आंखों को समझ में आए उस सिग्नल को कन्वर्ट कर रहा है। तो ये कुछ इस तरीके का होता है अपना वीडियो सिस्टम। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये कुछ पर्टिकुलर ब्लॉक्स में बनाया गया है। आपके क्वेश्चन रहता है एक्सप्लेन द ऑडियो एंड वीडियो सिस्टम, तो सिंपल इन सारे ब्लॉक्स को बनाना है, और मतलब 2 से 3 लाइन, जैसे मैं हर एक एक ब्लॉक को मैंने 2 से 3 लाइन में एक्सप्लेन किया, उसको लिखते चलना है। स्टार्टिंग करें तो पिक्चर, यानी यहाँ पर जो भी हमारा चलचित्र उसको वीडियो कैमरा ने रिकॉर्ड किया, फिर उसी के इक्विवेलेंट में इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हुआ, फिर इनिशियली में प्री एम्पलीफिकेशन स्टेज हुई प्री एम्पलीफायर की सहायता से, फिर वीडियो प्रोसेसर की सहायता से वीडियो में प्रोसेसिंग हुई, जिसको हम एडिटिंग बोल सकते हैं, फिर एडिटिंग के बाद में हमारा पावर एम्पलीफायर से गुजरा हो, मतलब फाइनली हमने सिग्नल को बूस्ट अप करके भेजा एट लास्ट। तो ये तो हमारा ट्रांसमीटर साइड का बोर हुआ एक तरीके से। फिर हो सकता है वायर हो या वायरलेस हो, अभी मैंने सिर्फ वायर की बात की है। अगर वायरलेस होगा तो यहाँ पर हमें एक मॉड्यूलेशन और एक ट्रांसमिटिंग एंटीना और लगाना पड़ेगा, जो तुम 206 में देखोगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर प्री एम्पलीफिकेशन होगा अगेन रिसीवर साइड में, क्योंकि सिग्नल किस चैनल के थ्रू आ रहा है वो चैनल नॉइज़ ही है, क्योंकि वायर की अपनी एक नॉइज़ भी होती है। तो इसके कारण हम देखते हैं यहाँ पर वापस हमें अगेन प्री एम्पलीफिकेशन स्टेज प्रिकॉशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम रखते हैं, अगेन वीडियो प्रोसेसिंग होगी, फिर पावर एम्पलीफायर। ये आप एक तरीके से आज की तारीख में जो हमारे LED और LCD TV आते हैं उसके आप मतलब फॉर्म में आप इसको समझ सकते हैं। फिर जो पावर एम्पलीफायर होगा, और फिर उसके बाद फाइनली डिस्प्ले होगा जो कि आपको स्क्रीन पर दिखेगा। तो इस तरीके का हमारा ये होता है वीडियो सिस्टम। अब ऐसे ही हमारा कुछ होता है ऑडियो सिस्टम, तो हम ऑडियो सिस्टम को समझते हैं। अब ऑडियो सिस्टम में क्या होता है, जैसे कोई भी साउंड यानी कोई भी वॉइस या कुछ भी है, वो साउंड गिरती है हमारे माइक्रोफोन पे। माइक्रोफोन आप लोगों ने देखा होगा, आगे हम माइक्रोफोन ही डिस्कस करेंगे अगली क्लासेस में, माइक्रोफोन के टाइप्स, मतलब 2 लेक्चर कम से कम कवर होंगे। तो सब माइक्रोफोन क्या होता है, माइक्रोफोन भी एक ट्रांसड्यूसर होता है। ट्रांसड्यूसर मैंने बताया, ट्रांसड्यूसर एक हमारा ऐसा डिवाइस है, यानी डिवाइस मतलब माइक्रोफोन ट्रांसड्यूसर का प्रकार है, जिसकी सहायता से हम सिग्नल के एक एनर्जी के फॉर्म में दूसरे फॉर्म में बदलते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो साउंड सिग्नल है वो ऑडियो इलेक्ट्रिक सिग्नल में, यानी जो सिंपल ऑडियो सिग्नल था उसको हमने ऑडियो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल दिया। फिर अगेन वही प्री एम्पलीफिकेशन स्टेज होती है। फिर यहाँ पर जहाँ मतलब पहले वीडियो सिस्टम में हमारा वीडियो प्रोसेसर था, यहाँ पर हमारा ऑडियो प्रोसेसर है। फिर उसके बाद में पावर एम्पलीफायर है, और फिर वही चैनल के थ्रू पास होते हुए अगेन प्री एम्पलीफिकेशन, यानी ये तो हमारी ट्रांसमिटिंग साइड हुई, और ये हमारी रिसीविंग साइड हुई, प्री एम्पलीफिकेशन स्टेज है। फिर अगेन ऑडियो प्रोसेसर है, मतलब बेस्ट से बेस्ट हमारा आउटपुट मिले, फिर पावर एम्पलीफायर से गुजरेगा, और फाइनली ये आपका जो लास्ट स्टेज है, ये आपका लाउड स्पीकर, यानी सिंपल हम इसको स्पीकर भी बोल सकते हैं। स्पीकर भी ट्रांसड्यूसर है, जैसे कि ये ट्रांसड्यूसर है, ये इसने तो हमारे जो सिंपल ऑडियो सिग्नल था उसको ऑडियो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट किया। यहाँ पर ऑडियो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट हमारा ऑडियो सिग्नल बदल रहा है, यानी जिसको साउंड बोलते हैं, अपने आप अपनी मतलब ईयर की सहायता से सुन सकते हैं। तो इस तरीके का ये होता है हमारा ऑडियो सिस्टम। फर्क कुछ नहीं है, आपने इससे पहले वीडियो सिग्नल में देखा, यहाँ पर वीडियो कैमरा था, यहाँ पर आपका मतलब माइक्रोफोन है, यहाँ पर आपके प्री एम्पलीफिकेशन और पावर एम्पलीफायर वो तो सेम ही थे, वीडियो प्रोसेसर था, इसके जगह आपके ऑडियो प्रोसेसर है, और अगेन सेम वही है प्री एम्पलीफायर, वही वीडियो प्रोसेसर पावर एम्पलीफायर, वही यहाँ पर ऑडियो प्रोसेसर है, और वही प्री एम्पलीफिकेशन और पावर एम्पलीफिकेशन स्टेजेस हैं। यहाँ पर डिस्प्ले था आपके वीडियो सिस्टम में, यहाँ पर लाउड स्पीकर है। एक मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे प्रेयर में आप मतलब यहाँ पर कॉलेज में प्रेयर करते हो, तो आपका जो एम्पलीफायर सिस्टम होता है, यानी जिसको हम ऑडियो सिस्टम बोल सकते हैं, माइक होता है, माइक की सहायता से वो वायरलेस होता है आपके मतलब रिसीवर साइड में, वहाँ पर एम्पलीफायर भी कर रहा है उसको, और वो फाइनली लाउड स्पीकर की सहायता से भी है, और फाइनली जो भी मतलब वहाँ पर जो बोल रहा है या प्रेयर हो रही है, आप उसको स्पीकर के थ्रू सुन सकते हैं, और उस स्पीकर के साथ साथ अपनी प्रेयर गाते भी हैं।
तो इस तरीके का होता है हमारा ऑडियो सिस्टम, और इससे पहले मैंने एक्सप्लेन किया वीडियो सिस्टम। अब अगली क्लास में हम देखेंगे कि कैसे माइक्रोफोन, मतलब हमारा जो मेन टॉपिक है वो है माइक्रोफोन, फिर उसके बाद में हम देखेंगे लाउड स्पीकर, फिर उसके बाद में हम इसके और इंटरनल जाएंगे, यानी कैसे हम हमारी साउंड क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं, हाईफाई कर सकते हैं, मतलब हाईफाई बना सकते हैं, हमें क्या क्या जरूरत है, ग्राफिक इक्वलाइजर जो कि अपने डेली लाइफ में अपन यूज भी करते हैं। तो इस तरीके से हम इन चीजों को समझेंगे। फिर दो यूनिट होने के बाद में तीसरा आएगा हमारा वीडियो। तो ये सारी चीजें हैं और उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों ब्लॉक समझ में आएंगे। हो सकता है आज की क्लास थोड़ी सी छोटी हो, लेकिन उम्मीद है कि ये चीजें क्लियर हुई होंगी। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि हमारा कैसे वीडियो सिस्टम काम करेगा, फिर हम टीवी के बारे में समझेंगे, एलईडी टीवी, और फाइनली जो आज के हमारे डेली लाइफ में हमारे यूज होने वाली चीजें हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर समझ में आया होगा। और अभी थोड़ी देर पहले जो आपका 203 हरिओम सर ले रहे हैं, उसका भी लेक्चर उन्होंने अपलोड कर दिया है, तो उन्होंने मुझे कहा था कि एक बार मतलब स्टूडेंट को इन्फॉर्म कर दें, तो वो चीज़ भी आप ज़रूर से देखें। और इसके अलावा 208 के तो 27 लेक्चर हैं मौजूद, लेकिन मैं धीरे धीरे इसको एक्सप्लेन करता चले जा रहा हूँ ताकि प्रॉब्लम नहीं आए, है ना। और फिर क्विक पेस में चलेंगे और आगे और सारे मतलब चीज़ों को कवर अप करते हुए चलेंगे। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर समझ में आया होगा, और आप अपना ध्यान रखें कोरोना में और अपनी फैमिली का। और इसके अलावा यही कहूँगा कि फालतू इधर उधर नहीं घूमें और अपना ध्यान रखें। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।